डीडी किसान बदलते भारत की शान। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में एक 5 दिवसीय व्यापार शो का भी आयोजन किया गया, जहां देश विदेश से कारोबारी एकत्रित हुए, साथ ही नई संभावनाओं को भी यहां पर तलाशा गया। आपको बता दें कि इस व्यापार मेले का मकसद ये था कि कारोबारियों को न सिर्फ नई तकनीक के बारे में बल्कि कारोबार के क्षेत्र में नए नए अवसरों के बारे में भी जानकारी मिल सके और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी दिया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में, मैं हूँ अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी सपने के मेले के बारे में, कैसे इसे व्यापार को लेकर हमारी जो सोच है उसमें भी हम और बेहतरी कर सकते हैं और नई नई संभावनाओं की राह में बिना किसी झिझक के आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस मेले के मायने क्या हैं और इससे हमारे देश को, राज्य को और साथ ही साथ हमारे व्यापारियों को, उद्यमियों को किस तरह का लाभ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत पिछले ही साल की गई थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस बार शो का दूसरा संस्करण है। शो में सूक्ष्म, छोटे, मध्यम और लार्ज एंटरप्राइजेस यानी सभी तरह के उद्यमों को व्यापार करने का मौका दिया गया है। इस शो के दो रूप हैं, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, यानी यहाँ पर व्यापारियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। बाहर से आने वाले बिजनेसमैन उनके साथ बड़ी डील कर सकते हैं। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब है कि आम लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, वो यहाँ घूमने आ सकते हैं और फुटकर में अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। एंट्री बिल्कुल मुफ्त है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। द ट्रेड शो फोकस इज एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन for boosting MSMEs, promoting geophysical, geographical indications, GI products. It was with utmost reluctance that I moved fast. Otherwise, one geographical indicator was good enough to take few hours because it has enormous potential of opportunities. What I saw today was not an exhibition. I saw basket of opportunities for all. योगी सरकार ने आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है। इस अंतर्राष्ट्रीय शो में लगभग सभी कैटेगरी के कारोबार शामिल किए गए हैं। अगर सिर्फ खेती बाड़ी की ही बात करें तो यहाँ एक जिला एक उत्पाद, श्री अन्न, बैंत, चीनी, प्रसंस्करण खाद्य, डेयरी उत्पाद, सिंचाई, स्वयं सहायता समूह, पर्यावरण और वन्य उत्पाद, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, गोदाम, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण सहित लकड़ी के उत्पाद भी रखे गए थे। इसके अलावा हैंडलूम और हस्तशिल्प को भी एक कैटेगरी बनाकर रखा गया है। ये इवेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था
जिसमें कि वो यहाँ के लघु मध्यम एवं छोटे उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए विदेश से बायर्स को बुलाने की बात कर रहे थे। आज वो उनका सपना साकार हो चुका है। दूसरे एडिशन में भी हमारे पास 350 से ज़्यादा विदेश के बायर्स आए हुए हैं, जो कि 80 से ज़्यादा देशों से भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ मुख कर चुके हैं। बायर्स का हमारा एक स्पेशल फोकस है, जो कि यहाँ पे आज पूरी दुनिया रिसाइक्लेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। प्लास्टिक का बैन है, वहाँ पे पेपर ज़्यादा चल रहा है, एग्रो प्रोडक्ट्स ज़्यादा चल रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा चल रहे हैं। इस इवेंट में आपको पूरे उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र के ODOP के अंतर्गत आने वाले 400 से ज़्यादा एक्सपोर्टर मिलेंगे। एक्सपोर्टर्स के अलावा यहाँ पे तकरीबन 2000 लोगों ने अपने प्रदर्शनी में स्टॉल लगाए हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। यहाँ पे हम FIO को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट प्रमोशन की संस्था है। 36,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं और हम हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी को केटर करते हैं। उनमें हमारा एग्रीकल्चर भी एक है, फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल्स है, जितने भी थ्रेशोल्ड सेक्टर्स हैं हमारे, प्लास्टिक्स हो गया, पैकेजिंग हो गया, कोई भी सेक्टर हो, FIO आपके लिए यहाँ पे आपकी सेवा में कार्यरत है। ज्यादातर उद्योगों के लिए कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चा माल सप्लाई करता है। इसके बावजूद किसानों को अच्छे भाव न मिलने की शिकायत रहती है। यही वजह है कि सरकार किसानों को उद्यमी बनने की ओर प्रेरित कर रही है, ताकि वो खुद अपनी उपज का मूल्यवर्धन करके बेहतर भाव पा सकें। मूल्यवर्धन के बाद कुछ उत्पादों के भाव तो कई गुना तक बढ़ जाते हैं। इस शो में उत्तर प्रदेश के बहुत से कृषि स्टार्टअप्स और किसान उत्पादक संगठनों के भी स्टॉल्स हैं। कुल मिलाकर यह आयोजन उत्तर प्रदेश के कृषि उद्यमियों के लिए भी सुनहरा अवसर है। सरकार ने यहाँ पे मुहैया कराई है आपको सब्सिडाइज रेट पे पार्टिसिपेशन। आने के लिए कोई पार्टिसिपेशन चार्जेस नहीं है। विदेश के बायर्स के साथ आप मिल सकते हैं। अभी तक हमारे पास जो फीडबैक आ चुका है, यहाँ पे तकरीबन मैं बोलूँगा 10% तो ऐसे लोग हैं जो किसान हैं या जो फार्म से नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे बैम्बू लीव्स, बैम्बू के शाफ्ट से कुछ ना कुछ आर्टिजन्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमने अभी उन लोगों से फीडबैक भी लिया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। प्लास्टिक को आज हमने अपनी महत्वपूर्ण जरूरत बना लिया है, जबकि हकीकत ये है कि प्लास्टिक कभी भी टिकाऊ नहीं होता। पश्चिमी देशों में बहुत से लोग टिकाऊ और रिसाइक्लेबल विकास चाहते हैं और उससे जुड़ भी रहे हैं। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में इसी तरह के उद्यमों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा शो में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कामयाबी की मिसालों से भरा हुआ था। DD किसान की टीम की यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बचपन में यही सपना संजोया था कि बड़े होकर वो उद्यमी बनेंगे, और अपनी मेहनत से उन्होंने उस सपने को साकार भी किया। कुछ ऐसे भी लोगों से मुलाकात हुई हमारी जिन्होंने बड़ी कंपनियों में नौकरी छोड़कर उद्यमिता के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही लोगों से। कोविड के दौरान जिस तरह से कॉस्ट कटिंग के नाम पर कर्मचारियों की छटनी की गई, उससे लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने का जज्बा अब पहले की तुलना में कहीं अधिक देखा जा रहा है। हालांकि बहुत से लोग नौकरी की अनिश्चितताओं और सीमाओं को कोविड से पहले ही भांप चुके थे। प्रदीप भी उन्हीं में से एक हैं। वे काफी पढ़े लिखे हैं और कई मल्टीनेशनल कंपनीज में सेवाएं दे चुके हैं। मैं पेरू गया, पेरू से मैंने वहां देखा है कि एक ग्रेन होता है किनोवा, जो कि सुपर फूड कहलाता है, यहाँ के लोगों को पता नहीं था। तो मैं वहाँ से सीड लेके आया और अपने नेटिव प्लेस फतेहपुर में मैंने उसको कुछ किसानों को जो है कन्विंस किया कि आप इसकी खेती करो और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ही पता है कि किसान कोई भी नई चीज़ को अडॉप्ट करना इतना आसान काम नहीं है, और गेहूं की फसल के साथ ये लगती थी। मुझे 3 महीने लगे उनको समझाने में कि आप इसको लो और आपको फ़ायदा होगा, मार्केट में आपकी जो है प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी, आपकी मेहनत का खर्चा मिलेगा। फाइनली 3 महीने के बाद एक डेमो हमने लगवाया फतेहपुर में, और वहाँ से लेने के बाद देखिए परेशानी क्या होती कि माल तो पैदा कर लिया किसानों ने, अब वो बेचे कहाँ। तो फिर मैंने उसके लिए जो है एक कंपनी बनाई न्यूट्रीस एग्रो फूड, और हमने खुद माल खरीदा, जिससे क्या होता है वहाँ पे देखा देखी और लोगों ने भी ये कारवा चालू किया और काफ़ी लार्ज स्केल पे ये प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। आज प्रदीप दर्जनों की तरह ही कुकीज तैयार कर रहे हैं, खास तौर से सत्तू की। इनकी कुकीज लंदन और US तक जा रही हैं। सभी चीजें रसायनों से शुद्ध हैं, किसी में भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाए गए हैं। बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए इन्होंने हर्ब्स का पाउडर बनाया है। इसके अलावा आप इनके यहाँ से अश्वगंधा, मोरिंगा और तुलसी से तैयार कुकीज भी खरीद सकते हैं।
शुगर के मरीजों के लिए शुगर फ्री कुकीज हैं। कि हम ऐसी क्रॉप पे काम करते हैं जिसको कैश क्रॉप कहते हैं, तो कैश क्रॉप में हमारी सबसे बढ़िया जो है मोरिंगा। मोरिंगा को हम लोग कल्टीवेट करते हैं बाराबंकी लखनऊ के पास। हमारे सर हैं, हमारे मतलब बड़े भाई हैं ओझा जी, उन वो पूरा फार्मिंग करवाते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास आता है और हम उसके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि हमने मोरिंगा लीफ की जो है हमने कुकीज़ बनाई है और ये मोरिंगा के हमने कैप्सूल्स बनाए हैं। मोरिंगा जैसे बॉर्न वीटा है इस टाइप में, तो हमने मोरिंगा वीटा बना दिया है जिससे कि बच्चे उसको घोले और पी जाएँ। उसका एक एग्जाम्पल ये है, आप ये देखिए न्यूट्री बूस्टर प्रो है, इसमें हमने मोरिंगा अश्वगंधा है बहुत सारी हर्ब्स मिला करके बच्चों के लिए एक इम्यूनिटी का ड्रिंक बनाया हुआ है। आगे चलने पर हमारी नजर सुप्रिया अरोड़ा के स्टॉल पर पड़ी। सुप्रिया एक अरोमा थेरेपिस्ट हैं। इनके माता और पिता दोनों ही नौकरी करते थे, लेकिन ये बचपन से ही अपना बिजनेस करना चाहती थीं। बड़ी हुई तो बचपन का सपना साकार हो गया। इनका कारोबार बहुत पुराना नहीं है, बल्कि कोरोना के दौरान ही शुरू हुआ है। जल्द ही इनके काम ने रफ्तार पकड़ ली। आज ये एक कंपनी की मालकिन है। इनकी खुद की फैक्ट्री है जहाँ परफ्यूम और दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जड़ी बूटियों से इस तरीके के प्रोडक्ट्स मैंने तैयार किए जो हमारे कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हैं। हम लोगों को बहुत इससे भी स्किन केयर के लिए प्रॉब्लम्स होता है, हेयर केयर के लिए प्रॉब्लम्स होता है। ये हमने कोविड में देखा कि कितने लोगों को अपना इम्यूनिटी के लिए वजह से भी कितनी प्रॉब्लम्स हुई। तो जड़ी बूटी से निकले प्रोडक्ट्स हमारे स्किन के लिए, हेयर केयर और हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छी हैं। मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत करी कोविड के दौरान, जब सब लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे, पर मैंने अपने घर के दरवाजे उस समय खोल लिए थे। मैंने कोविड के दौरान अपनी सारी फैक्ट्री सेटअप करी। सुप्रिया का कहना है कि इस तरह के ज्यादातर प्रोडक्ट्स में अल्कोहल होता है, लेकिन इनके प्रोडक्ट पूरी तरह से नेचुरल हैं और इनमें कोई सिंथेटिक खुशबू नहीं है। ये परफ्यूम का भी काम करते हैं और आराम भी पहुंचाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा आज का कृषि विशेष सपनों का मेला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष। अवध नगरिया से चल ले बरियतिया, हे सोहावन लागे, हे सोहावन लागे, जनक नगरिया भेले। आई एम श्योर कि मिथिलावासी जब ये परफॉर्मेंस आपका देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि विशेष यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। हमारे कारोबारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खास तौर पर हमारे छोटे और मझोले कारोबारी एक नए प्लेटफॉर्म को और बेहतर तरीके से जानने में भी कामयाब होते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एक्सपोजर भी मिलता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। भारत में देसी घी का बहुत बड़ा बाजार है। ये ऐसा पदार्थ है जो लगभग हर परिवार में इस्तेमाल होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान गाय के घी की मांग तेजी से बढ़ी है। अंकित जैन घी के ही व्यापारी हैं। मैं देसी घी बेचता हूं पूरे हिंदुस्तान में। मैं बहुत ही छोटा व्यापारी था। हमने ये जो घी का काम शुरू किया था 3 से 4 साल पहले शुरू किया था। तब तक हमें घी का एहसास नहीं था कि घी की वैल्यू क्या है, घी की मात्रा क्या है, घी की मार्केट क्या है। और जब हम इस कार्य में घुसे तो हमें सरकार की तरफ से जो विशेषताएं प्राप्त हुई, जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ कि सरकार ये सेवा हमें देती है। जो अगर गाय की सेवा करते हैं, दूध देसी गाय का घी बेचते हैं, हमें प्लांट लगाने के लिए सरकार के लिए सब्सिडी मिली, उन्होंने हमारी मदद करी। सरकार इतने बड़े बड़े एग्जीबिशन लगाती है जिससे हमारा घी प्रमोट होता है। मेरा देसी गाय का शुद्ध घी मैं पूरे इंडिया में देता हूँ। मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे घी को बहुत पसंद किया है और मैं चाहता हूँ हर घर में ऐसा घी पहुँचे जिस घी से आपके शुद्ध घी में और देसी बॉडी में ताकत आए। ये गाय का घी एक दवाई है जो आपके अंदर कोई बीमारी रहने नहीं देगी। घी दूध से बनता है और दूध का सेवन हम सभी करते हैं, बल्कि इंसान का पहला आहार दूध ही है।
आज के दौर में लोगों को दूध में मिलावट की शंका होती है, लेकिन तकनीक ने मिलावट पकड़ने के काम को आसान बना दिया है। इतना आसान कि कम पढ़ा लिखा इंसान भी दूध की जांच कर सके। हिमांशु सक्सेना का स्टार्टअप इसी तरह की दूध टेस्टिंग किट तैयार करता है। इन्होंने ये किट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के साथ मिलकर बनाई है। बाजार में ये आसानी से उपलब्ध है और किफायती भी है। इसमें हमें क्या करना है कि जो मिडिल पार्ट है ये टेस्ट है, इसमें एक एक बूंद दूध की डालनी है, तो टोटल 8 टेस्ट हैं इसमें। और अगर दूध में मिलावट है, जैसे न्यूट्रलाइजर जो कि दूध के लाइफ बढ़ाने के लिए काम डाला जाता है, तो वो रंग ऐसा आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें न्यूट्रलाइजर मिलाया गया है। तो इसमें और भी चीज़ें जैसे यूरिया का है, डिटर्जेंट का है, और भी टेस्ट हैं, माइक्रोबियल है, दूध फ्रेश है कि पुराना हो गया है, वो भी टेस्ट है इसमें। तो ये बहुत ही आसान सिंपल टेस्ट है जो कि कोई भी अपने घर में कर सकता है। दूध की तरह ही शहद की भी काफी मांग बढ़ रही है। सहारनपुर शहद के हब के रूप में पनप रहा है। संजय सैनी सहारनपुर से ही हैं। वो 16 तरह के शहद तैयार करते हैं। पिछले साल भी इनका स्टॉल UP अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में लगा था, तब भी इन्हें काफी आमदनी हुई थी और बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले थे। शहद के अलावा भी ये कई तरह के दूसरे उत्पाद बनाते हैं। जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट है, शहद से लगा के मिलेट्स और जैसे वैक्स कैंडल और मिलेट्स के बिस्किट, नमकीन, उसमें भी हमारी 7-8 वैरायटी हैं और शहद में हमारे पास 16 वैरायटी हैं। यहाँ हमें पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमें यहाँ सैकड़ों टन का ऑर्डर शक्कर और गुड़ का मिला था। इस बार भी संभावना है। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें मार्केट मिलती है और सरकार हमें ये जो स्टॉल मिला है, संघर्ष बायो एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी हमारा 2018 में बना था और हमारा जो ये स्टॉल दिया गया है यहाँ, ये सब सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से हमें निःशुल्क दिया गया। हमारा जितना भी प्रोडक्ट यहाँ सेल होता है, दूसरे यहाँ कई देशों के लोग भी आते हैं और पूरे इंडिया के लोग यहाँ आते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग विधाओं के लोग आते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा मार्केट हमें मिल जाता है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जब अलग अलग विधाओं के लोग आते हैं, जैसे हमारे पास 16 वैरायटी शहद की हैं, तो 16 के 16 वैरायटी के लोग आते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसे ही जो मिलेट्स हैं, अगर हम हमारे 7-8 वैरायटी मिलेट्स की रहती हैं तो हर वैरायटी का कुछ ना कुछ बिकता है। ये चीज़ें क्या, लेमन ग्रास का हमारा लेमन टी है, स्प्रे है और लेमन ड्रॉप है। तो इस तरह की जो चीज़ें खाद्यान्न में, जड़ी बूटियों में, हमारे सतावर, अश्वगंधा, विधारा, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, सालम पंजा, ये इस तरह की, और हम लोग लेमन ग्रास, सेंट्रोला, पामारोजा, खस, तुलसी, मोरिंगा, इन सब में अपनी खेती करते हैं और मार्केट में इसके प्रोडक्ट बना करके सेल करते हैं। लेमन ग्रास के हम लोग लगभग 9 प्रोडक्ट मार्केट में उतार चुके, टोटल 171 प्रोडक्ट हमारे मार्केट में हैं और हम लोग अभी यहाँ एक्सपो में आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सरकार हमें सपोर्ट करती है। काम करने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी की तरह इसमें अधिकतम आयु सीमा का झंझट नहीं होता और रिटायरमेंट का डर भी नहीं होता। अंजू वर्मा नोएडा से ही हैं। इन्होंने बच्चे बड़े होने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। साउथ से जाके मैं कॉफी बीन्स लाती हूँ ग्रीन, और फिर यहाँ पे नोएडा में मेरी रोस्टरी है, मैं उनको रोस्ट करती हूँ। अलग अलग 7 स्टेट से डिफरेंट कॉफीज हम लेकर आते हैं और अपने हिसाब से उनको हम ग्राइंड करते हैं, ब्लेंड करते हैं, डार्क रोस्टेड, मीडियम रोस्टेड, और उसको हम फ्रेंच प्रेस में, फिल्टर कॉफ़ी में, और घर में जैसे कन्वीनियंट रहे हम लोग ड्रिप बैग्स में बनाते हैं, जो हर कोई लोग अफोर्ड भी कर सके और पी भी सके। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। लिवर जिनका बल्कि होता है, लिवर फैटी होता है, और उन चीज़ों के लिए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज कॉफ़ी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कॉफ़ी आज की डेट में सोने के बराबर बोला जा रहा है। कॉफ़ी बहुत बड़ा एक बिजनेस बन चुकी हुई है। सहारनपुर में जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज है। इसका एक स्टॉल भी यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में लगा है, जिसमें कई तरह की दवाएं रखी हुई हैं। हमारे यहाँ जितनी दवाएं बनती हैं उनके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये एलोवेरा जूस की बात करें, तो ये एलोवेरा जूस हमारे यहाँ 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा से तैयार किया जाता है। और हम इसकी ख़ास बात इसके अंदर ये है कि हमारे जितने किसान भाई हैं, हम उन लोगों से ये परचेज़ करते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिसमें हम उन सब लोगों से ये सब दवाएँ परचेज़ करते हैं, मंगाते हैं अपने यहाँ। और ये प्रोग्राम जो यूपी गवर्नमेंट ने किया, इससे हमें लग रहा है कि यूपी को और यूनानी को, आयुर्वेद को और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सब लोगों को बहुत फ़ायदा इसका मिलने वाला है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि हम लोग जितनी भी दवाएं अपने यहाँ परचेज़ करते हैं, दवाएं बनाने के लिए मुफरजात जितना भी परचेज़ करते हैं, वो सब अपने किसान भाइयों से हम लोग परचेज़ करते हैं, जिसमें आंवला, त्रिफला, करेला, जामुन, इस तरह के आइटम बहुत सारे ऐसे हैं जिससे अपने किसान भाइयों को फ़ायदा मिल रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो परंपरा और आधुनिकता का संगम है। कहीं पुरानी परंपराएं अपनी नैसर्गिक स्थिति में मौजूद हैं, तो कहीं परंपराओं को आधुनिकता के सांचे में ढाला गया है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मेले से जुड़े कुछ और खास बातें आप तक पहुँचाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष। नमस्कार, गोवा के सांखली गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। इस गांव में किस तरह से हमारे जो अन्नदाता हैं वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं और किस तरह से प्राकृतिक खेती के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। कितनी तरक्की सीमा जी ने अपने जीवन में कर ली? अपने जीवन में तरक्की की है, हमारी 13 वर्ष की जमीन है, मेरा पति इसमें काम करते थे। महीना कितना कमा लेते हो? महीना में अभी पिछले गणेश के लिए हमने 40,000 मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो किसान जो है वो दूसरों का भी पेट भरता है और उसको किसी सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। गोवा से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा, 4 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 पर दूरदर्शन किसान पर। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP एक ऐसी योजना है जो कि काफ़ी कामयाब साबित हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस योजना की सराहना विदेशों में भी की गई है। आइए जानते हैं कि कैसे इस शो में भी इस योजना को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया और इसे भी जगह मिली। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हमारे साथ एक बरेली से एक व्यापारी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये जो उत्पाद लेकर यहाँ पर आए हैं उन उत्पादों को किस प्रकार से फायदा हो रहा है, किस प्रकार से बाजार मिल रहा है। आज हम जो है नोएडा के एक्सपो मार्ट में अपना बरेली से एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जो हमारा केन एंड बैम्बू का प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। और अभी हमारी स्टॉल डिस्प्ले भी नहीं हो पाई है, फिर भी हमारी सेल अभी काफ़ी, एक बायर ने अभी नागपुर की एक मैडम थी, उन्होंने कम से कम 8-10 हज़ार रुपये की हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदा भी है और उन्होंने बहुत सराहा। और यहाँ पर काफ़ी मेरे आगंतुकों से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है हमारे उत्पाद को बड़ा अच्छा बताया। और हमें यहाँ पिछली बार भी हम आए थे तो हमें यहाँ पर बायरों से ऑर्डर्स मिलते थे, 2-3 ऑर्डर अभी हमारे चल भी रहे हैं। और मुझे अब भी आशा है, जैसे हमारे सरकार प्रयास कर रही है कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, ODP उत्पाद को आगे बढ़ाया जाए, तो उसका हमें श्रेय यहाँ पर मिल रहा है। सरकार का हमारे लिए बहुत अधिक प्रयास है, हमारा भी जो प्रोडक्ट है इसका रॉ मटेरियल किसानों के माध्यम से आता है। बैम्बू की खेती सरकार प्रोत्साहन दे रही है, पौधा देना उसकी रख रखाव के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो किसानों का इसमें पूरा फायदा है। गन्ने की फसल से अच्छा है इस बैम्बू की फसल में, जो बैम्बू एवं रटन की खेती होती है उससे इसके कम से कम 5 गुना इसमें फ़ायदा मिलता है। उसी से हमें रॉ मटेरियल जब हम दूसरे प्रदेशों से मंगाते हैं, अगर हमारे प्रदेश में अगर ऐसा कोई इसको जो है बढ़ावा और दिया जाए तो हमें यहीं से रॉ मटेरियल मिलेगा तो सस्ता ही मिलेगा, तो कॉस्ट भी हमारे प्रोडक्ट की कम ही आएगी। अच्छा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि जो किसान जो है बैम्बू की खेती करें, एक तरीके से बैम्बू का उत्पाद करें, तो उनसे बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है और चीज़ों से। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपको GI टैग के लिए आपने प्रयास किया या कुछ हुआ आपके? GI टैग हमारे यहाँ से गया था, अब हमारा अप्रैल में GI टैग हमारा रजिस्ट्रेशन आ गया है। इस बार हमने GI में स्टॉल भी यहाँ पर लगाई है और केनन बैम्बू को GI में जो है लिया जा चुका है। काला नमक चावल अपने स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने दुनिया के विशेष चावलों में शामिल कर लिया है। वैसे इसकी खेती बौद्ध काल से ही हो रही है।
2013 में इसे GI टैग दिया गया। शो में एक ऐसे व्यापारी भी मिले जो काले नमक चावल का ही कारोबार कर रहे हैं। ये काला नमक हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। देखिए यहाँ पे PGA सर्टिफिकेशन का लोगो दिया हुआ है। जब 3 साल कष्ट ये किसान अपने खेत को जैविक तरीके से बिल्कुल कर लेता है तो ये PGA ग्रीन सर्टिफिकेट मिलता है। इसकी जो खुशबू होती है क्वालिटी बनी रहती है। इसके वजह से इसका जो ग्लाइसमिक इंडेक्स होता है जो शुगर जिसको बोलते हैं बाकी चावल में संभा या मंसूरी और भी बासमती खाते हैं उसमें 52 या 53 होता है, इसमें 48 होता है। जो किसान जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको जो शुगर बढ़ने की दिक्कत होती है नहीं होती है। दूसरा इसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिसमें हमने इसमें दर्शा रखा छोटे छोटे में जिंक कार्बन ये सब वगैरह वगैरह प्रोटीन विटामिन्स बाकी संभा चावल या मंसूरी जो भी खाते हैं बासमती उससे बहुत बेहतर होता है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष सपनों का मेला, जहां आपने जाना कि कैसे नए नए अवसर हमारे किसानों तक और कृषि के क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि किसानों और कृषि जगत से जुड़े हुए उद्यमियों को अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलते रहें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishiwishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष कमरा नंबर 69A CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।